नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11। ताज़ा मामला अयोध्या उत्तर प्रदेश का, जहां पर नगर निगम के टैक्सी चालकों ने ठेका निरस्त करने की मांग की है। नगर निगम टैक्सी चालकों ने शुक्रवार को नगर निगम द्वारा स्टैंड वसूली के खिलाफ अयोध्या नगर आयुक्त को एक ज्ञापन देकर ठेका निरस्त किए जाने की मांग की है। चालकों का कहना है कि एक तरफ कोरोना महामारी से लोग परेशान हैं, वहीं नगर निगम के ठेकेदारों द्वारा चालकों से साकेत के पास खवासपुरा पर वसूली ठेकेदार रणधीर सिंह और उनके कर्मचारियों द्वारा फर्जी टोकन काटकर वसूली की जा रही है, जिसकी शिकायत अध्यक्ष आदर्श टैक्सी एसोसिएशन अयोध्या के अशोक कुमार पांडे द्वारा नगर आयुक्त के समक्ष ज्ञापन प्रस्तुत कर किया गया। वसीम साय के साथ सोनू चौधरी अयोध्या से। कल किसको आप ज्ञापन दिया है? कल 17 तारीख को ज्ञापन नगर आयुक्त महोदय को चालक मालिक की समस्याओं के विषय में अवगत कराया गया, जिसमें बताया गया है कि शहर में ठेका केवल जेल के पीछे हुआ है, उसके अतिरिक्त शहर में ठेकेदार गली गली जगह जगह जबरन वसूली मारपीट करके कर रहे हैं और आए दिन धमकी दे रहे हैं चालक मालिकों को। इसकी शिकायत हमने सभी उच्च अधिकारियों से अवगत कराया गया, पुलिस प्रशासन से भी अवगत कराया गया, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि नगर आयुक्त नियमावली के अनुसार वसूली कराएं और ठेकेदार पर कठोर कार्रवाई करें और ठेका निरस्त करें।